एक टाइम था सुबह नाश्ता और मतलब चाय नाश्ता मिलता था, पर अब क्या है कढ़ा और आजकल रह गया ना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वही देते हैं। मैं डालता सिर्फ तुलसी पत्ता और लौंग, पर मम्मी बनाती है ना जो उसमें क्या है कि जितने भी और दालचीनी और पता नहीं बहुत क्या क्या डाला है, सारी चीज़ का स्वाद आ रहा है, पर नाम इतना पता नहीं क्या क्या डालती है, अजीब सा स्वाद है, बट ठीक है। कुछ समय के लिए बेकार लगता है पर उसके बाद पीते रहो ना थोड़ा सही रहता है। चाय से तो बढ़िया लगता है मुझे और हेल्थ के लिए तो बढ़िया ही। भैया की दुकान पे आए और प्रसाद खा रहे, कल चैती छठ था ना, कल हमारा चैती छठ था, उसका प्रसाद भाई लेके आया था। बोले क्या भैया लेके आए थे भैया? हाँ तो हमारे किशोर भैया लेके आए। 2 दिन भैया की दुकान बंद थी, 2 दिन तो मैं घर पे था और आज आऊँ लास्ट। तो अभी जस्ट मैंने न्यूज़ में सुना कि फिर 7 डेज का लॉकडाउन हो गया, शायद दुकानें फिर बंद रहेंगी। तो नुकसान तो यार इनका भी नुकसान है, इनका भी काम अगर नहीं चलेगा तो बंद रहेगी दुकान, तो कोई कमाई तो होगी नहीं। केस बढ़ेंगे तो यार देखो सुरक्षा के लिए हर चीज़ ज़रूरी है, पर उसमें क्या था मिडिल क्लास या जो काम करने वाले होते हैं ना, जो दुकान में या और कोई कंपनी में रहने वाले या छोटी दुकान, जैसे हमारा ये भाई काम करता है यहाँ पर, ये हैं और भी बहुत से लोग हैं जो काम करते हैं, तो ये चीज़ की प्रॉब्लम तो मैं भी समझ सकता हूँ और जो बंदे देख रहे हैं वो भी समझ सकते हैं। काम तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा ना अपना, अपना तो काम 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 खत्म, क्या काम बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, काम रहे कहाँ गया। छोटे काम करने वाले उनको फर्क पड़ता है, कंपनी है बड़ी उनको तो यार वो फर्क नहीं पड़ेगा इतना, पर जो छोटे छोटे दुकान है, चाहे कपड़े की क्यों ना हो, चाहे मोबाइल की क्यों ना हो, चाहे छोटे से इलेक्ट्रॉनिक की दुकान क्यों ना हो, जितनी भी है ना उनको फर्क पड़ता है, बाइक से लेकर A to Z, चाहे वो बेचने वाला हो, छोटा सा स्टीकर क्यों लगाता हो, टायर क्यों नहीं बेचता, हर किसी को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ से। देखते हैं 1 हफ्ते बाद क्या होता है, दुकान पे आते हैं या घर पे ही बैठे रहते हैं। और काम करने का ऑप्शन भारत सरकार से गुजारिश करेंगे, दुकानें लॉकडाउन करने से कोई फायदा नहीं है, मैंने कहा कोई सोल्यूशन निकाला जाए, कोई समस्या का समाधान निकले जिससे कि आम जनता और गरीब आदमी 2 पैसे कमाए अपना पेट भर सके। जो छोटे दुकान वाले हैं इनका काम से मैकेनिक हो गया या जो भी छोटे काम करने वाले, इनका काम इन्हीं से चलता है, मतलब जो कभी रिपेयरिंग के लिए होते हैं, अगर ये बंद रहेंगे तो किराया तो जाना ही जाना है और नुकसान भी है। हेल्थ जरूर है, हेल्थ है तो वेल्थ है, ये सच्चाई है। अगर आपकी हेल्थ है, आप ठीक ठाक हो तो आप पैसा भी आपको आएगा, पर यह है कि हेल्थ का ध्यान रखना है, पर इसके साथ साथ एक चीज़ ये है ना कि जो जहाँ काम करते हैं अगर वहाँ से पैसे भी नहीं आए तो और ही फाइनेंशियल जो तनबंदी की प्रॉब्लम वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, और ऐसी सिचुएशन में मैं देख चुका हूँ यार, पहले भी था और अब भी वही है सबके साथ। तो देखो कैसे क्या क्या होता है, अगर अब 7 दिन का बढ़ाकर ये था ना, नाइट वाला कर्फ्यू ठीक था, जैसे दिन बंदा काम करता है और शाम को अपना घर चले जाता है, अब ये पूरा दिन बंद रहेगा तो यार थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी हमें, मुझे भी इनको भी सबको। देखो कितना सारा आलू रखी है, वो बनाती कर रही थी, मैं सोया हुआ था और ये क्या कर रही थी, मेरा पैर आके मतलब पैर की उंगली खींच के मतलब पटकाते हैं ना खींचने से उंगली, तो मटकती थी तो वैसे वो उंगली मेरी खींच रही बार बार, तो जाके दवाई भी लेके आना इसकी भी मम्मी की भी। और ये पानी कुछ ज़्यादा खेलती है ना, तो पानी में खेलती है क्या कहूँ, ये पानी पूरा डूब मतलब बाल्टी है उसमें पानी है, टप है उसमें पानी भर दो, तो ये उसमें नहाती रहती है इसलिए बीमार पड़ती है। खांसी अंदर को अज्जी निकाल रही है, हैं अज्जी दिखा रही है सबको। छोटे कैसे छोटी नहीं होगी, अच्छा छोटी तो आती नहीं है, तो आप रख लो बाकी इसको दे दो, बाकी मैं तो दे गाँव नहीं रहा। हाल के बाद 8 बजे से भी और सुबह 8 बजे तो मुझे जगना चाहिए, और उस वजह से ना वो नहीं आप तो पहले वो नींद नहीं आती थी कभी भी, मतलब सुबह मतलब कितना भी रात को जगना हो तो अगर चाहे कहीं जाना हो तो वो नींद नहीं आती दिन में। आज पता 2 बार सोया हूँ, एक बार 3 से 4:30 तक, उसके बाद भी फिर सोया मार्केट से दवाई ले, आज भी उठा हूँ खाना खा के रेडी हुआ हूँ, कहीं निकलना है